विज्ञान सम्मेलन यह अनोखा सम्मेलन है। इसमें भाग लेने वाले छात्र भविष्य में अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने कहा कि विगत 25 वर्षों से चल रहा यह विज्ञान मेला भविष्य के वैज्ञानिक तैयार करने का अनूठा मंच बन गया है। एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एजुकेशन और नागपुर नगर निगम के सहयोग से राष्ट्रभाषा भवन उत्तर अंबाजरी मार्ग रामदास पेट में आयोजित इस असाधारण विज्ञान मेले का उद्घाटन आज किया गया। नागपुर महानगर पालिका एवं एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एजुकेशन इन दो संस्था के जरिए पिछले 25 साल से अपूर्व विज्ञान मेला का आयोजन यहाँ राष्ट्रभाषा भवन नॉर्थ अंबाजरी रोड पर किया जा रहा है। ये इसका सिल्वर जुबली का ईयर है। यहाँ हमारे जो महानगर पालिका की जो स्कूल है, जो शिक्षण संस्था है, इनसे जुड़े हुए हमारी सभी स्कूलों के बच्चे जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपनी 8वीं 9वीं 10वीं के कक्षा के बच्चों ने हर स्टॉल पे अपना अपना विज्ञान के जो प्रयोग है, विज्ञान के जो फैक्ट्स है, विज्ञान के जो प्रूफ है, ये सब कैसे एस्टेब्लिश होता है, उसका एक छोटे छोटे प्रयोग यहाँ पर दिखाया है, जिससे एक सरल भाषा में हम विज्ञान अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत आसान जा रहा है। मेरी नागपुर सिटीज़न के सभी सिटी से विनती रहेगी कि ये उम्र के बच्चे जो है, जो स्कूलों में हैं, उन स्कूलों में यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, उनके साइंस के टीचर्स को भी यहाँ पर भेजने की कृपा करें, ताकि उनका विज्ञान का जो बेसिक नॉलेज है वो अच्छा रहे और हमारे सिटी से कुछ अच्छे वैज्ञानिक इस द्वारा निर्माण हो। आजचा हा अपूर्व विज्ञान मेळावा त्याचा हा उद्घाटनाचा पहिला दिवस, आजपासून दिनांक 16 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर पर्यंत हा मेळावा सर्वांसाठी निशुल्क आयोजित करण्यात आलेला आहे। या मेळाव्याचं नाव आहे अपूर्व विज्ञान मेळावा, कारण हा नावाप्रमाणेच अपूर्व आहे, कारण यामध्ये विज्ञानाच्या मोठ्या मोठ्या संकल्पना अगदी लहान घरगुती उपकरणातून तयार केलेले आहेत। उपकरण साधे सोपे आणि मुलांच्या परिचयाचे आहेत, त्यामुळे मुलं स्वतः हे सगळे उपकरण करून स्वतः प्रयोग करून शिकू शकतात अशी संकल्पना या मेळाव्याच्या मागची आहेत। इथे हे सगळे जवळपास 300 ते 400 एक्सपेरिमेंट्स आहेत आणि ते या अपूर्व विज्ञान मेळाव्याचे जे प्रणेते आहेत श्रीमान सुरेशजी अग्रवाल, त्यांच्या कल्पनेत गोष्टींचा वापर केला तर मुलांना विज्ञान खूप आवडेल आणि समजेल, आणि या संकल्पनेतून या सगळ्या प्रयोगांची निर्मिती झालेली आहे। दरवर्षी गेल्या 25 वर्षापासून अविरतपणे हा मेळावा आयोजित करण्यात येतो। हा मेळावा महानगरपालिका नागपूर आणि असोसिएशन फॉर रिसर्च इन ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एज्युकेशन या संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केला जातो। अपूर्व विज्ञान मेळावा नागपूरमध्ये सुरुवात झालेला आहे। दिनांक 16 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर, वेळ आहे 11 ते 4 आणि स्थान आहे राष्ट्रभाषा भवन उत्तर अंबाझरी रोड, नॉर्थ अंबाझरी रोड। माझं नाव मी ज्योती मेडपिलवार, दुर्गानगर हायस्कूल नागपूर महानगरपालिका। माझं नाव श्लोक गोविंद हटवार, मी अपूर्व विज्ञान मेळाव्यात भाग घेतलेला आहे। मी इकडे आलो, मला खूप छान वाटलं, इथले वेगवेगळे निरनिराळे प्रयोग पाहून मला खूप बरं वाटलं। मला एवढे चांगले प्रयोग पाहायला मिळतील असं कधीच वाटलं नव्हतं, तर माझी हीच विनंती की आपल्या सर्वांनी इथे यावं आणि भेट द्यावी। धन्यवाद। मेरा नाम मुस्कान सचनाल साहू है, मैं कक्षा 9वीं ब की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला है। हर साल की तरह यहाँ पे अपूर्व विज्ञान मेला लगा हुआ है। हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें पढ़ाई में भी बहुत मदद मिलती है। यहाँ पे इतने सारे प्रयोग हैं कि समझ में भी नहीं आता कि हम किसे किसे देखें। इससे हमें पढ़ाई में बहुत उपयोग मदद मिलती है और ये सब निर उपयोग वस्तुओं से भी बनाई जा सकती है। धन्यवाद। इस अवसर पर नगर निगम के अपर आयुक्त राम जोशी, पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक रत्ना गुजर, AIIT BSC के सचिव सुरेश अग्रवाल आदि मौजूद थे। कैमरा पर्सन अमोल तुमसरे के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।